कैसे हैं दोस्तों, आप सबका स्वागत है। वेरी वेरी वेलकम अगेन इन अनदर सेशन। आज हम लोग कुछ ऐसे सवालों के जवाब ढूंढेंगे जो एक्चुअली बहुत सामान्य हैं, बहुत ही साधारण हैं और हमारी जिंदगी से जुड़े हुए हैं। और वो सवाल जो हमारी जिंदगी में इतना ज्यादा असर डालते हैं कि हम विकास या तरक्की या फिर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के रास्ते कई बार नहीं खोज पाते। तो बिना देर किए लेट्स डाइव इन। दोस्तों, आज का जो सबसे बड़ा विषय है जिस पर आप सबने अलग अलग चैनल से सवाल पूछे हैं, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब मैसेंजर्स के माध्यम से हो, चाहे वो लाइव सेशन में हो, और वो है क्रोध, गुस्सा। एक भाई पूछते हैं कि हमें गुस्सा क्यों आता है। तो गीत ब्रदर्स बैंड है, उन्होंने ये सवाल पूछा कि हम गुस्से पे कंट्रोल कैसे करें। मैथमेटिकल वे उनका एक चैनल है, उन्होंने पूछा है कि एक स्ट्रांग आदमी हमेशा एक कमजोर आदमी पे ही गुस्सा क्यों दिखाता है। #destiny उन्होंने पूछा है कि लाइफ की सिचुएशंस में कई बार वो हर एक सिचुएशन में गुस्से से बिहेव करती हैं, उनको लगता है किसी को उनकी ज़रूरत नहीं, उनको लगता है वो एक अकेली ज़िंदगी जी रही हैं और उनको अपनी ज़िंदगी में जो एक शांति, एक खुशी का माहौल मिलना चाहिए वो नहीं है। दोस्तों, ये सवाल मेरी ज़िंदगी से इतना जुड़ा हुआ है क्योंकि जब मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था तो एक फ्रस्ट्रेशन, एक गुस्सा, एक हर एक चीज़ में तकलीफ़ का माहौल मुझे हर वक्त हर घड़ी परेशान करता था। और मैंने ये चीज़ महसूस की जो आज इस सवालों में आपने की है। इस सवाल को जानने के लिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि गुस्सा सही है या गलत है। दोस्तों, क्रोध, गुस्सा एक इमोशन है, जैसे हंसी एक इमोशन है, उदासी एक इमोशन है, जैसे किसी चीज़ पे खुश होना या फिर तकलीफ मानना ये एक इमोशन है। पर जब आप किसी सिचुएशन को या किसी परिस्थिति को ओवर जज करते हैं, जब आप उसको ठीक से आकलन नहीं कर पाते और आपको लगता है कि कोई आपको अनजाने कारणों से या किसी ऐसी वजह से तकलीफ देने की कोशिश कर रहा है, तो आप अपने आप को बचाने और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कई बार सबसे पहले गुस्से और क्रोध का सहारा लेते हैं। दोस्तों, हमारे शास्त्र में बोला जाता है कि एक इंसान को किसी दूसरे से अगर ठीक से व्यवहार करना है, उससे डील करना है, तो उसके कई तरीके हैं और उन तरीकों की एक कैटेगरी है, साम, दाम, दंड, भेद। साम और दाम के बाद दंड का जिक्र किया गया है। पर जब हम इस चीज को नहीं समझते और अब हम सीधे विवेक और समझदारी को छोड़ करके सीधे हम इम्पल्सिव रीजन से, बहुत ही ज्यादा किसी खास कारणों से ओवर जजमेंट करते हैं और ये सोचते हैं कि कोई स्थिति, कोई परिवेश हमारे लिए नुकसानदायक है, हमारे लिए बहुत ही गलत तरीके से बनाया गया है, तो जाहिर सी बात है कि हम सीधे क्रोध और गुस्से के भाव में कदम रखते हैं। दोस्तों, नॉर्मली क्रोध करना या गुस्सा करना इतना बुरा नहीं माना जाता है। जब आप बच्चों को देखें तो वो अपने व्यवहार या अपने अलग अलग अभिव्यक्तियों से, अपने अपने इमोशंस से अपनी बात दर्शाते हैं। तो जब बच्चा हंसता है, जब मुस्कुराता है, जब रोता है, जब गुस्सा दिखाता है, तो उन तमाम चीज़ों को सही माना जाता है। वो इमोशंस उसकी भाषा होते हैं और वहाँ पर उस बच्चे को उन इमोशंस के पीछे का जो असली रीज़न है उसको नहीं मालूम। पर जब हम बड़े होते हैं, जब हम थोड़े से ज्ञान और विवेक को लेकर के अपनी चीज़ को समझने लगते हैं, तो इस तमाम भावों को, अपने इमोशनल रिस्पॉन्स को
जैसे जैसे हम विवेक से और विजडम से अपनी समझ बूझ से हम इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं, तो हमारे तमाम कामों को हम अपने विवेक से कंट्रोल करते हैं, ना कि अपने इमोशंस से। दोस्तों, गुस्से पे कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने मन को और अपने व्यवहार शैली को धीरे धीरे बदलना। और उसकी पहली शुरुआत आप कर सकते हैं जो अपना इमोशनल रिस्पॉन्स है उसको डिले करके। किसी सिचुएशन में रिएक्ट करने की भावना उपज रही है उसको थोड़ा सा देर करें और अपने विवेक से ज्ञान से सोचें कि जो भी मुझे अभी समझ में आ रहा है इसका सही मतलब क्या है। मुझे मालूम है दोस्तों, कई बार ये करना मुश्किल है क्योंकि हम परिस्थिति में सिचुएशन में ऐसे फंस जाते हैं कि जब कोई स्थिति ऐसी क्रिएट होती है तो हम फौरन उस चीज़ का जवाब देने के लिए एक बहुत तेज़ी से व्यवहार करते हैं, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन महसूस करते हैं, किसी चीज़ को बहुत तेज़ी से करना चाहते हैं। पर दोस्तों, जब हम ये महसूस कर रहे हों कि हमें क्रोध से गुस्से से एक नुकसान हो रहा है एक लॉन्गर टर्म में और हम उसको बदलना चाहते हैं, उसमें बदलाव लाना चाहते हैं, तो उसका सिर्फ एक तरीका है कि हम अपने व्यवहार और अपने रिस्पॉन्स पर थोड़ी सी नज़र रखें और जब भी कोई ऐसी सिचुएशन हो एक बार एक स्टेप पीछे लेके सोचें कि जो भी इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हुई है उसमें मेरा फ़ायदा क्या है, क्या मैं जो रिस्पॉन्स करने वाला हूँ एग्रेसिवली गुस्से से क्रोध से उसका मुझे क्या फ़ायदा होगा। विवेक से स्टेप इन करें और दूसरे भावों का सहारा लें। साम दाम ये दो साधन ऐसे हैं जिसका आप पहले सहारा ले सकते हैं, पहले सोच विचार करके विवेक से वाइजली दिमाग से एक अच्छा सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं सिचुएशन का। दोस्तों, ये चीज़ बड़ी अजीब लगती है पर जो भी लोग अभी तक संसार में सफल हुए हैं, जो इमोशनल रिस्पॉन्स को कंट्रोल करने में कामयाब हुए हैं, उन्होंने अपने विवेक से विजडम से बुद्धि से सबसे पहले इस चीज़ को जाना है। तो क्रोध एक बहुत स्ट्रांग रिस्पॉन्स है दोस्तों, आप इसको सिर्फ तभी करते हैं जब आप कोई चीज़ आसानी से एक बहुत ही सरल तरीके से हल नहीं कर सकते और जब आप अपनी ज़िंदगी में रोज़मर्रा के व्यवहार में इस चीज़ को सबसे पहले इस्तेमाल करने लगते हैं तो कई बार बड़े आसान से होने वाले काम भी बिगड़ने लग जाते हैं। विजडम इज वेरी ईजी की टू हैंडल दिस। पहले अपने विवेक का इस्तेमाल करें। किसी ने इससे जुड़ा हुआ सवाल पूछा था कि जो मजबूत लोग हैं, जो स्ट्रांग लोग हैं, वो कमज़ोर लोगों पे ही अपनी ताकत क्यों दिखाते हैं, उन्हीं पे गुस्सा क्यों दिखाते हैं। दोस्तों, असलियत में जो आदमी अपने आप को स्ट्रांग समझ रहा है और किसी और पे गुस्सा दिखा रहा है वो स्ट्रांग है ही नहीं, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर है क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी के हर एक निर्णय सिर्फ एक इमोशन एक भाव के इर्द गिर्द चुन रखे हैं और अल्टीमेटली उसको नुकसान ही होने वाला है। जाहिर सी बात है, ऐसी परिस्थिति में तकलीफ परेशानी दूसरे व्यक्ति को भी होती है पर वो इंसान जो इम्पल्सिव है, जो इस तरह के उतावलेपन में इस तरह का व्यवहार कर रहा है, उसको सबसे बड़ा नुकसान है। तो ये मत सोचिए कि स्ट्रांग आदमी किसी तरह से फ़ायदा उठा रहा है, वो अपनी ताकत अपनी समझ बूझ से एक सुलझी हुई परिस्थिति को और उलझा रहा है अपने इस व्यवहार के ज़रिए। तो दोस्तों, ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें टाइम लगने वाला है। डोंट थिंक कि ये एकदम बदल जाएगी, इट विल टेक टाइम टू चेंज। अगर आप क्रोध और अपने इम्पल्सिव नेचर को चेंज करना चाहते हैं इसमें बहुत वक्त लगने वाला है और इसमें बहुत ज़्यादा फिल्ट्रेशन की ज़रूरत है। आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप हर रोज़ अपने आप को क्रोध या गुस्से की बजाय एक शांति और एक विवेकपूर्ण स्थिति को चयन करने में, उसको चूज़ करने में अपने आप को रोज़ पाएं।